क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है इन द मैट्रिक्स ए ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें ठीक है इसकी हेल्प से हमें ये तीन डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फर्स्ट क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट डाउन करना है सेकंड क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने की इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं थर्ड राइट द एलिमेंट दिस ये हमें नेमिंग दे रखी है कि इनकी पोजीशन हमें बता रखी है इसकी हेल्प से हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है करेंगे कैसे चलिए देखते हैं ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो बच्चों अभी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों हमारा इज इक्वल टू क्या होता है रोज बाय कोलम इस तरीके से हम ऑर्डर लिखते हैं तो ध्यान से देखो यहां पे रोज कितनी है बच्चों वन टू थ्री थ्री रोज है मल्टीप्लाई कॉलम्स कितनी है वन टू थ्री फोर फोर कॉलम्स है तो थ्री बाय फोर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इसका ऑर्डर आ गया मेरे पास थ्री बाय फोर ठीक है सेकंड पे चलते हैं नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे अब बच्चों यहां पे ये काम नहीं करना है आपने सर मैं तो काउंटिंग करके लिख दूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हो गए सर ट्वेल्व आंसर आ गया ऐसे नहीं करना है बच्चों आपको ठीक है किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज मल्टीप्लाई कोलम तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर थ्री रोज है फोर कोलम है थ्री फोरजा क्या आ गया ट्वेल्व एलिमेंट्स होंगे हमारे एक प्रॉपर वे से आपको क्वेश्चन करना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डायरेक्ट ट्वेल्व नहीं लिखना है थर्ड पार्ट पे चलो थर्ड पार्ट पे क्या पूछा है उसने राइट द एलिमेंट्स, हमें इन एलिमेंट्स को बताना है कि इस पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमने पहला क्या दे रखा है ए वन थ्री अब कोई भी एलिमेंट्स लिखा जाता है ए आई जे की फॉर्म में लिखा जाता है आपको पता है आई क्या होता है हमारा रो होता है और जे क्या होता है हमारा कॉलम होता है बताया था इंट्रोडक्शन में तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट वन थ्री का मतलब क्या है फर्स्ट रो में होना चाहिए और थर्ड कॉलम पे होना चाहिए ये हमारी रो है इस तरह, इस तरफ तरीके से। अगर कंफ्यूजन होना स्टार्टिंग में तो इस तरीके से लिख लो ये आर वन रो ये आर टू रो ये आर थ्री रो ऊपर से कॉलम है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर वैसे अब बड़े बच्चे हो चुके हो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से लिखने की बट मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ये है थर्ड कॉलम ये है, तो एलिमेंट्स कौन सा आ गया 19, तो बस आंसर आ गया आसान था अगले पे चलो ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है तो 35 आ गया ए थ्री थ्री मतलब थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है इस तरीके में ध्यान रखना आपने थर्ड रो ये है थर्ड कॉलम ये है तो माइनस आ गया उसके बाद क्या पूछ रखा है हमसे ए टू फोर टू फोर का मतलब क्या है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम सेकंड रो ये रही फोर्थ कॉलम ये ऊपर से आएगी तो ट्वेल्व आ गया लास्ट है ए टू थ्री ए टू थ्री का मतलब क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो ये रही थर्ड कॉलम ये रही तो फाइव बाई टू आ गया ये हो गए हमारे पास आंसर इफ ए मैट्रिक्स हैज ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर चौबीस एलिमेंट है तो उसके कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं ये पूछा है हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है वाट इफ इट हैज थर्टीन एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स के अंदर थर्टीन एलिमेंट हो तो हमारे कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल होंगे तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से ऑर्डर क्या होता है और किस किस तरीके से हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं अब यहां पर हमें पूछ दिया क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है बच्चों ट्वेंटी फोर अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते कैसे हैं वैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज कॉलम से रोज की और कॉलम की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब हमें क्या करना है ट्वेंटी फोर के ऐसे ऐसे मल्टीपल देखने हैं जिन दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई करें और ट्वेंटी फोर आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स सबसे पहला क्या होगा वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर अगर हमारी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो चौबीस कॉलम हो ट्वेंटी फोर कॉलम्स हो तो वन बाई ट्वेंटी फोर हो सकता है दूसरा ट्वेंटी फोर बाय वन भी हो सकता है दो मैट्रिक्स बन गई ये पॉसिबल ऑर्डर हो गई उसके बाद टू के मल्टीपल में टू ट्वेल्व जा भी होता है ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर और इसका उल्टा ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू मतलब टू रो हो ट्वेल्व कॉलम हो ये ऑर्डर भी हमारा क्या होगा पॉसिबल हो सकता है उसके बाद थ्री से देखो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर भी होता है तो थ्री बाय एट की भी मैट्रिक्स हो सकती है और एट बाय थ्री की मैट्रिक्स भी हो सकती है ठीक है उसके बाद फोर इंटू सिक्स की या फिर सिक्स इंटू फोर की मैट्रिक्स भी हो सकती है और कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर आ जाए तो हमारे पास टोटल कितनी मैट्रिक्स बनी यहां पे एट मैट्रिक्स तो यहां पे ही लिखेंगे हम टोटल एट मैट्रिक्स पॉसिबल तो हमारे पास टोटल एट मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है और ये उनके ऑर्डर हो सकते हैं ठीक है सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 13 हो तो क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे बच्चों ऐसी वैल्यू बचाओ आप जिनकी मल्टीप्लाई करें और 13 आ जाए 13 क्या है यहां पे वन मल्टीप्लाई 13 करने से आएगा या फिर 13 मल्टीप्लाई वन से आएगा कोई और ऐसी वैल्यूज हमारे पास नहीं है जिनका मल्टीपल थर्टीन हो तो हमारे पास ओनली टू मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी तो यहां पे क्या करेंगे हम टोटल टू मैट्रिक्स पॉसिबल तो ये हमारे पास क्या होगी पॉसिबिलिटी ये ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो सकती हैं इफ ए मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट हो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो राइट डाउन करने हमने वट इफ इट हैज फाइव एलिमेंट्स अगर उसके अंदर फाइव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो मैट्रिक्स के अंदर तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं ये हमने बताना है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है टोटल 18 एलिमेंट्स और ऑर्डर क्या होता है हमारा रोज इंटू कॉलम रोज और कॉलम की मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे ही तो लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स तो हमें वो पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है किन, जिनकी मल्टीप्लीकेशन से 18 आए तो क्या क्या हो है हमारे वन मल्टीप्लाई की हो सकती है जिसमें एक रो हो एटीन कॉलम हो दूसरी मैट्रिक्स क्या हो सकती है एट्टीन इंटू वन की भी एटीन रोज हो वन कॉलम हो फिर हमारी टू मल्टीप्लाई नाइन की भी हो सकती है टू नाइन जा भी एटीन होता है और नाइन टू जा भी एटीन होता है फिर थ्री का मल्टीपल देख लो थ्री सिक्स भी होता है और six, जा भी होता है, कोई और वैल्यू है हमारे पास ऐसी नहीं तो ये छह मैट्रिक्स हमारी क्या है यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं तो सिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल आर पॉसिबल तो ये सिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी यहां पे बन के तैयार हो सकती हैं अगर हमारे पास 18 एलिमेंट दे रखे हो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइव दे रखे हैं फाइव हमारे पास टोटल एलिमेंट है तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम से तो हमें वो वैल्यू देखनी है जिनकी मल्टीप्लाई से फाइव आ जाए तो एक तो वन मल्टीप्लाई फाइव से आ रहा है एक फाइव मल्टीप्लाई वन से आ रहा है कोई और वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई से फाइव आ जाए तो हमारे पास टू ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे तो यहां पे लिख देंगे टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल मैट्रिक्स आर पॉसिबल और हमने बता भी दिया कि वो कौन कौन से हो सकते हैं या तो वन रो हो फाइव कॉलम हो या फिर फाइव और वन कॉलम हो कंस्ट्रक्टेड टू बाई टू मैट्रिक्स हमें एक टू बाई टू की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें टू रोज हो टू कॉलम हो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय और जिसके एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के इन फॉर्मूला से गिवन है तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले देखो हमारे पास मान लो कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट को हम ए वन वन लिखते हैं सेकेंड को ए वन टू फिर ए टू वन फिर ए टू टू और ये हमारी टू बाय टू की ही मैट्रिक्स है ठीक है अब यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ हमें जो फॉर्मूला दे रखा है ए आई जे i इक्वल टू आई प्लस जे इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू से दे रखा है अब हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही तो होगा हमारा ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों ए आई जे इससे निकलेंगे हमारे यहां पे ए वन वन फिर ए वन टू फिर ए टू वन फिर ए टू टू तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए वन वन फाइंड आउट करेंगे आई की जगह भी वन पुट करेंगे जे की जगह भी वन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वन प्लस वन क्या हो गया टू टू का स्क्वायर फोर बाय टू करेंगे तो टू से डिवाइड किया तो कितना आ गया टू यहां पे मैट्रिक्स बनाते चले जाओ क्या आ गया पहला एलिमेंट टू आ गया फिर हमारा कौन सा आएगा ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आई की जगह वन जे की जगह टू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वन प्लस टू कितना हो गया थ्री थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन बाय टू तो एलिमेंट्स आ गया मेरे पास नाइन बाय टू फिर हमें निकालना है ए टू वन ए टू वन मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का तो आई की जगह टू जे की जगह वन इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू ये भी कितना आ जाएगा नाइन बाय टू आ गया ये लिख दिया फिर हमने निकालना है ए टू टू ए टू टू का मतलब क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आई की वैल्यू भी टू जे की वैल्यू भी टू यहां से कंपेयर करते रहे ना आई जे से तो यहां पे फॉर्मूले में भी वही रखना है हमें टू प्लस टू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू टू प्लस टू क्या हो गया फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय टू करेंगे तो क्या आ गया एट तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई पहले की ये हो गया आंसर समझ में आ गया क्लियर है इस चीज को छोड़ दो अभी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सेकेंड पार्ट पे चलो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है फॉर्मूले पे ध्यान देना है बस ए आई जे इज इक्वल टू दे रखा है हमें आई डिवाइडेड बाय जे आई को जे से हमें डिवाइड करना है फिर मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है तो इस तरीके से बनेगी सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चों a11 i की वैल्यू भी 1 j की वैल्यू भी 1 1 बाय 1 किया तो कितना आ गया 1 आ गया फिर हम क्या निकालेंगे निकाल लेंगे a21 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 2 बाय 1 किया तो कितना आ गया 2 आ गया फिर हम निकाल लेंगे a12 सॉरी a12 ये था हमारा यहां पे आएगा a12 निकाल लेंगे तो 1/2 आएगा ये और ये a21 यहां पे आएगा ये आ जाएगा मेरा टू फिर हम आन निकालेंगे ए टू टू ए टू टू का मतलब क्या है आई की वैल्यू भी टू जे की वैल्यू भी टू टू को टू से डिवाइड करेंगे वन आ गया तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ गई ठीक है थर्ड वाले पे चलते हैं थर्ड वाले में हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है बच्चों ध्यान से देख लो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू अब पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा यहां पे ए वन वन तो ए वन वन निकाल लेंगे आई की जगह वन पुट करेंगे जे की जगह वन तो यहां पे क्या हो गया वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू तो यहां पे टू और वन कितना हो गया बच्चों थ्री थ्री का स्क्राइन बाय टू आ गया पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास नाइन बाय टू दूसरा एलिमेंट क्या होता है ए वन टू आई की जगह वन जे की जगह टू पुट करो वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू 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 जा फोर और वन फाइव फाइव का स्क्वेयर क्या हो गया ट्वेंटी फाइव बाई टू सेकेंड एलिमेंट आ गया मेरे पास ट्वेंटी फाइव बाय टू फिर हमें क्या निकालना है ए टू वन निकालना है मतलब i की जगह टू j की जगह वन पुट करना है i की जगह टू पुट करो j की जगह टू, टू मल्टीप्लाई वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू टू वन 2 टू और टू फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन बाई टू मतलब कितना आ गया एट आ गया ये एलिमेंट आ गया एट नेक्स्ट क्या है ए टू टू ए टू टू निकाल लेंगे तो ए टू टूल टू आई की जगह टू जे की जगह टू टू प्लस टू मल्टीप्लाई टू इसका बच्चों थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो कितना आ गया हमारा एट्टीन तो एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास एट्टीन ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स ए दिस इज द दंसर कंस्ट्रक्टेड थ्री बाय फोर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दीज फॉर्मूलाज हमें एक थ्री बाय फोर की मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर फॉर्मूला हमें ये यूज करना है तो दो मैट्रिक्स बनेंगी पहली मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला यूज करना है सेकंड में ये यूज करना है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स को हम किस तरीके से राइट डाउन करेंगे कोई भी मैट्रिक्स है मान लो ए उसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिखें थ्री बाय फोर की को थ्री बाय फोर का मतलब क्या है थ्री रोज होनी चाहिए फोर कॉलम होनी चाहिए उस मैट्रिक्स के अंदर तो थ्री रोज बनानी है हमें और फोर कॉलम्स बनानी है तो पहला एलिमेंट क्या होगा ए वन वन दूसरा एलिमेंट ए वन टू तीसरा एलिमेंट ए वन थ्री और चौथा एलिमेंट ए वन फोर चार कॉलम बन गई ना हमारी फिर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर लास्ट में हमेशा यहां पे क्या आएगा फोर आएगा फोर कॉलम्स दे रखी हैं तो फिर थर्ड कॉलम आएगी हमारी ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर ये कितने ऑर्डर की बन गई हमारी बच्चों थ्री बाय फोर की मैट्रिक्स बन गई अब हमारा फॉर्मूला क्या है यहां पे ए आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू मोडुलस ऑफ माइनस का थ्री आई प्लस जे इसका मोड हमें ये फॉर्मूला दे रखा है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो क्या आएगी यहां पे पुट करते जाएंगे हम बारी बारी से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे ए वन वन ए वन वन इसको कंपेयर करो आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू वन तो अपने फॉर्मूले में आई की जगह वन जे की जगह वन पुट करना है बस और कुछ नहीं तो क्या आएगा वन बाई टू मोड ऑफ माइनस का थ्री इंटू वन प्लस वन ध्यान से देखो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो गया मोड करेंगे तो क्या आ गया टू बाई टू मतलब टू से टू कट गया तो क्या आ गया वन पहला एलिमेंट आ चुका वन फिर हम क्या निकालेंगे ए वन टू ए वन टू निकालने के लिए हमें आई की जगह वन जे की जगह टू पुट करना है तो वन बाय टू मोड ऑफ माइनस का थ्री इन टू वन प्लस टू तो यहां पे सोल आउट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा माइनस थ्री में से टू गया माइनस वन का मोड करेंगे वन बाय टू तो ये आ गया सेकेंड एलिमेंट मेरे पास वन बाय टू फिर थर्ड एलिमेंट निकालेंगे क्या है थर्ड एलिमेंट ए वन थ्री I की जगह वन जे की जगह थ्री तो वन बाय टू इंटू माइनस थ्री इंटू वन प्लस में थ्री थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया जीरो बाय टू करेंगे जीरो आ गया थर्ड एलिमेंट आ गया जीरो फोर्थ एलिमेंट निकाल लेते हैं ए फोर वन वन फोर ए वन फोर आई की जगह वन माइनस थ्री इंटू वन और जे की जगह फोर फोर में से थ्री गया वन वन इंटू वन बाय टू क्या हो जाएगा हमारा वन बाय टू आ गया तो यह एलिमेंट भी आ गया वन बाय टू समझ में आ गई बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रो की ए टू वन ए टू वन का मतलब क्या है? आई की जगह अब टू पुट होगा जे की जगह वन पुट होगा तो क्या आ गया यहाँ पे बच्चों वन बाय टू इंटू मोड ऑफ माइनस थ्री इंटू टू प्लस में वन माइनस थ्री टू जा क्या हो गया सिक्स सिक्स माइनस सिक्स में से वन गया माइनस फाइव का मोड करेंगे तो फाइव बाई टू तो ये आ गया मेरे पास फाइव बाई टू नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आएगी मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि मोड दे रखा है फिर हम निकाल लेंगे ए टू टू वन बाई टू इंटू मोड ऑफ माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू माइनस थ्री टू जिक्स माइनस सिक्स में से टू गया माइनस फोर माइनस फोर का मोड फोर बाय टू मतलब कितना आ गया टू नेक्स्ट एलिमेंट आ गया मेरे पास टू फिर निकाल लेंगे ए टू थ्री ए टू थ्री के लिए वन बाय टू मोड ऑफ माइनस थ्री इंटू टू प्लस में थ्री थ्री टू जा माइनस सिक्स में से थ्री गया थ्री बाय टू आ गया फिर निकालेंगे ए थ्री थ्री वन बाय टू सॉरी ए टू थ्री निकाले ए टू फोर निकलेगा अब पहले सेकेंड रो चल रही है ना हमारी ए टू फोर ये वाला एलिमेंट तो माइनस थ्री इन टू टू प्लस फोर माइनस थ्री टू जा सिक्स शिक। सिक्स में से फोर गया माइनस टू मोड करेंगे तो टू बाई टू मतलब कितना आ गया वन आ गया अब चलते थर्ड रो पे थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है एन मतलब आई की जगह थ्री जे की जगह वन पुट करेंगे तो वन बाय टू इंटू मोड ऑफ माइनस थ्री इन थ्री प्लस वन तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास एट बाई टू आएगा एट को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया फोर ए थ्री टू वन बाय टू मोड ऑफ माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये सेवन बाय टू आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन नाइन में से टू गया माइनस सेवन का मोड करेंगे सेवन बाय टू फिर ए थ्री थ्री, थ्री आएगा वन बाय टू मोड ऑफ माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री 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 जन नाइन में से थ्री गया माइनस सिक्स माइनस सिक्स का मोड करेंगे तो क्या हो गया सिक्स बाय टू मतलब कितना आ गया बच्चों थ्री लास्ट एलिमेंट बच गया हमारे पास ए थ्री फोर कैसे निकलेगा वन बाय टू मोड ऑफ माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस फोर तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा फाइव बाय टू आ जाएगा ये आ गया फाइव बाय टू ये हो गया मेरे पास आंसर आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थोड़ा सा लेंथी था बट आपको ध्यान से करना है वैल्यूज बिल्कुल ध्यान से पुट करनी है कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है ए आई जे इक्वल टू टू आई माइनस जे फॉर्मूला यूज करना है सेकेंड वाले में फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों ए आई जे इज इक्वल टू टू आई माइनस जे ये दे रखा है यहां पे मोड वगैरह कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखना है आपको और मैट्रिक्स क्या थी हमारी ये बनेगी तो इसके एलिमेंट्स हमें पुट करते जाने सबसे पहले हम ए वन वन आई की जगह वन जे की जगह वन तो टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन तो कितना आ गया वन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स पुट करते चले जाएंगे पहला एलिमेंट आ गया वन फिर ए वन टू निकाल ए वन थ्री ए वन फोर लिख लो पहले बेसक से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख लिए हमने आई की जगह वन तो टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो आ गया जीरो फिर टू मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन तो ये आ गया माइनस वन फिर टू मल्टीप्लाई वन माइनस फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का टू ये आ गया माइनस टू आसान है ना ये ये आसान है आगे करेंगे क्या हम फिर हम निकाल लेंगे सेकेंड वाली रो क्या है ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ये एलिमेंट्स अब हमें फाइंड करने पहला क्या है ए टू वन तो क्या निकलेगा टू मल्टीप्लाई आई की जगह टू माइनस वन टू टू जा फोर माइनस वन क्या हो गया थ्री ये आ गया थ्री फिर ए टू टू मतलब टू मल्टीप्लाई टू माइनस टू करेंगे ये ध्यान रखना आई की जगह टू जे की जगह टू 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 जा फोर माइनस टू करेंगे टू आ गया ये आ गया टू फिर हम यहां पे टू मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री करेंगे तो ये आ गया वन और फिर क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू माइनस फोर करेंगे तो ये आ गया जीरो ये रो भी कंप्लीट नेक्स्ट जो रो आएगी ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर ठीक है यहां पे ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है मतलब ये रो है ये कॉलम है तो आई की जगह थ्री जे की जगह वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन तो क्या आ गया फाइव फिर टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस टू करेंगे तो क्या आ गया फोर फिर टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ गया थ्री फिर टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस करेंगे तो क्या आ गया टू ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स दिस इज द आंसर ये सिंपल सा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेश हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी हैं। हमें यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है कैसे करेंगे ध्यान से देखो सोल्यूशन इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलो हमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दे रखे फोर थ्री एक्स फाइव ये मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है इस मैट्रिक्स के वाई जेड वन फाइव अब ये भी देखो टू बाई टू की मैट्रिक्स है ये भी टू बाई टू की मैट्रिक्स है इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके एलिमेंट्स है फोर थ्री एक्स फाइव और दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इक्वल दे रखे वाई जेड वन फाइव अब बच्चों ध्यान से देखो ये एलिमेंट फाइव है इसमें भी फाइव है मतलब सारे में एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो हम यहां पे क्या लिखेंगे ऑन कंपेयर क्या लिखेंगे ऑन कंपेयर यहां पे x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी x इक्वल टू वन हो गया y की वैल्यू फर्स्ट ये इस पोजीशन से ही कंपेयर करेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फोर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थ्री ध्यान से कंपैरिजन करना है ये नहीं कर देना वाई इज इक्वल टू थ्री कर दो कभी पोजीशन देखना ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो वाई इक्वल टू फोर जेड इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू वन हो गया आंसर दिस इज द आंसर सेकेंड पार्ट पे चलो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई और दूसरा एलिमेंट दे रखा है टू नीचे क्या दे रखा है फाइव प्लस जेड और एक्स वाई ये इक्वल दे रखे हैं किसके सिक्स टू और फाइव और एट के अब यहां पे भी हम क्या करेंगे ऑन कंपेयर यही तो चलेगा कंपैरिजन सबसे पहले देखो यहां पे फाइव प्लस जेड है ये जेड फाइव के इक्वल दे रखा है इसको कंपेयर कर लिया हमने तो यहां पे क्या लिखेंगे फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव फाइव को उस तरफ लेके जाएंगे तो जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव और कितना आ गया जीरो तो जेड की वैल्यू आ गई जीरो फिर हम और वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं क्या करेंगे यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एट क्लियर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली वैल्यू से x या y की कोई भी वैल्यू आप निकाल लो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा इसके अंदर पुट कर दो इसको देखो बस x इंटू वाई की जगह सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एट x की मल्टीप्लाई करो सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्ट इनको ले जाओ राइट right साइड तो एक्स स्क्स एक्स प्लस एट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब इसके फैक्टर कर लो एक्स स्क् माइनस का फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया एक्स कॉमन तो अंदर क्या बच गया एक्स माइनस फोर यहां से माइनस टू कॉमन आ गया अंदर बच गया एक्स माइनस फोर तो यहां पे एक तो फैक्टर आ गया एक्स माइनस फोर दूसरा फैक्टर आ गया एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल आ गई फोर और टू ठीक है एक्स की वैल्यू फोर और टू आ गई तो वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लेना पुट एक्स इक्वल टू फोर और टू इन इक्वेशन फर्स्ट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सिक्स माइनस एक्स तो एक बार x की वैल्यू फोर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर मतलब टू आ गई y इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू करेंगे तो फोर आ गई तो यहां पे ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या क्या आई टू और फोर y की वैल्यू भी क्या आई बच्चों टू और फोर और z की वैल्यू क्या आई जीरो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सिंपल सा काम था बस हमने क्या किया यहां पे x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे वो करके क्वांटिटी की इक्वेशन आ गई उसके फैक्टर करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली क्लियर है थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करना है यहां पे आप एक काम करना यहां पे x2 पुट किया था हमने तो y की 4 आई थी तो इस तरीके से लिख लेना बच्चों 4 2 ये ठीक रहेगा 2 4 0 4 2 0 इस तरीके से या फिर 2 4 वो भी ठीक था कोई दिक्कत की बात नहीं है थर्ड पार्ट और देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है यहां पे मैट्रिक्स जो है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है हमें नाइन फाइव और सेवन ये वैल्यूज दे रखी हैं तो यहां पे भी क्या करेंगे हम ऑन कंपेयर क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन ये तीन वैल्यूज हो गई अब कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें बिल्कुल सिंपल तरीका है अगर मैं यहां से इनको इक्वेशन नंबर वन मान लो इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लो अगर मैं इक्वेशन टू को फर्स्ट में पुट कर दूं तो यहां पे क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट के अंदर पुट कर दो एक्स प्लस जेड की वैल्यू तो एक्स प्लस जेड की जगह फाइव पुट हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन हो गया बच्चों बच्चोंक्वल टू क्या आ गया नाइन माइनस फाइव मतलब y इज इक्वल टू फोर सिंपल सा काम था फिर क्या करो नेक्स्ट स्टेप में पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट अब ये वाली वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या होगा देखो यहां पे y प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा सेवन इज इक्वल टू नाइन और x इज इक्वल टू क्या सेवन उस तरफ जाएगा नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू x इज इक्वल टू आ गया टू दो वैल्यू आ गई अब क्या करेंगे लास्ट में पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट x और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो x की जगह टू वाई की जगह फोर प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू आ गया थ्री ये हो गई तीनों वैल्यू हमारे पास तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया टू वाई इज इक्वल टू आ गया फोर और जेड इज इक्वल टू आ गया थ्री दिस इज द आंसर बिल्कुल सिंपल तरीका है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू मैट्रिसेस दे रखी हैं और दोनों के बीच में आपको अच्छे से विजिबल है इक्वेलिटी का साइन है इसका मतलब क्या है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है ठीक है इसको कंपेयर करके हमें क्या करना है ए बी सी डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे ऑन कंपेरिजन हमारे पास जो ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट माइनस वन है दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन आ गया ए और बी वेरिए और बी की दूसरी इक्वेशन देखो कौन सी है ये वाली है ये इस पोजिशन पे एलिमेंट है इसको कंपेयर करेंगे जीरो से तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा हो गई दो वैल्यू कंपेयर नेक्स्ट देख लो टू ए प्लस सी ये किसके इक्वल होगा फाइव के और थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू किसके होगा थर्टीन के हो गया कंपैरिजन क्लियर अब उसके बाद हम इसको सोल आउट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने सीखी है क्लास टेंथ में सेम प्रोसीजर यहां फॉलो करते हुए इसको सोल आउट करेंगे बच्चों यहां पे देखो माइनस बी है ये भी माइनस बी है तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट माइनस का प्लस हो जाएगा यहां माइनस ये कैंसल आउट हो गया टू ए में से यह गया माइनस का ए इक्वल टू माइनस वन यहां पर आएगा माइनस से माइनस कैंसलेंगे तो माइनस वन ऑफ माइनस वन और माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल और बी इज इक्वल टू क्या गया बच्चों टू बी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास अब ए की वैल्यू पता है बी की वैल्यू पता है अब यहां पे पुट करो इक्वेशन नंबर थर्ड में ये हमारे पास है क्या है हमारे पास टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव है ए की वैल्यू पुट कर लो टू इन टू वन प्लस सी इक्वल टू फाइव टू बन जाए टू प्लस सी इक्वल टू फाइव और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों फाइव माइनस टू मीन सी इज इक्वल टू आ गया थ्री सी की वैल्यू भी मिल गई अब इस सी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो डी की वैल्यू भी मिल जाएगी मुझे करते हैं पुट क्या है इक्वेशन थ्री सी प्लस डी इक्वल टू थर्टीन तो थ्री इन टू थ्री प्लस डी इक्वल टू थर्टीन थ्री थ्री का क्या होता है नाइन प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन और डी इज इक्वल टू क्या आ गया थर्टीन माइनस नाइन क्योंकि यहां पे प्लस नाइन है राइट right साइड जाएगा माइनस नाइन तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया थर्टीन माइनस नाइन फोर D की वैल्यू आ गई तो आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यूज आ चुकी A की वैल्यू वन आई है B की वैल्यू टू आई है C की वैल्यू आपकी थ्री आई है और D की वैल्यू आपकी फोर आ गई ऑन कंपेरिजन दिस इज द आंसर A मैट्रिक्स दे रखी है हमें जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है ए आई जे ऑफ एम बाय एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें स्क्वेयर मैट्रिक्स बता रखी है क्या मतलब है यहां पे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि एम बाय एन ऑर्डर की है उसको हमें देखते हुए हमने बताना है कि जो ये एम और एन की वैल्यू है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो सोल्यूशन इसका हमारे पास दे रखा है ए मैट्रिक्स उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे और ऑर्डर दे रखा है हमें एम रेसो एम इन टू एन एम क्या होता है हमारा नंबर ऑफ रोज होती हैं और एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं अब ध्यान से देखो हमें ये मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स दे रखी है और स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होती है इन स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो उसी मैट्रिक्स को हम स्क्वेयर मैट्रिक्स कहते हैं तो यहां पे एम इक्वल टू एन क्या है सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा क्लियर ये आंसर हो जाएगा समझ में आ गई बात नंबर ऑफ रोज और कॉलम जिसमें भी इक्वल हो जाएंगी उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्क्र मैट्रिक्स कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर हमें दे रखा है ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिस इक्वल यहां पे क्या कहा है कि कौन सी एक्स और वाई वैल्यूज पे ये दोनों मैट्रिस क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी इसका मतलब क्या है हमें इन दोनों मैट्रिस को इक्वल प्रूव करना है कुछ वैल्यूज के लिए तो यहां पे पहली मैट्रिक्स क्या है हमारे पास थ्री एक्स प्लस सेवन इसकी वैल्यू क्या है फाइव वाई प्लस वन और टू माइनस थ्री एक्स इसको इक्वल बनाना है हमें कौन सी मैट्रिक्स के जीरो वाई माइनस टू एट और फोर इन वैल्यूज के लिए तो हमें क्या करना है इनको कंपेयर कर लेंगे यहां पे पहली वैल्यू कंपेयर करूं तो मैं थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू किसके होगा जीरो के एक्स की वैल्यू निकालता हूँ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का सेवन बाय थ्री आ जाएगा बच्चों सेवन इस तरफ गया माइनस सेवन थ्री डिवाइड में आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाय थ्री तो हमारी कोई है ही नहीं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे इस एक्स की टर्म को और कंपेयर करके देख लेते हैं टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर है तो यहां पे माइनस का थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे टू बाय माइनस थ्री मतलब माइनस टू बाई थ्री एक्स की वैल्यू माइनस टू थ्री तो आ गई यहां पे ठीक है बट एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री वाला कोई ऑप्शन यहां पे नहीं है तो यहां पे तो एक्स की टू वैल्यूज आ रही है हमारी तो टू वैल्यू तो यहां पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती इक्वेलिटी होगी ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड जिसमें ये ऑप्शन दे रखा हो ना तो उसमें आपको जरूर ध्यान देना है दोनों से वैल्यूज निकाल के तो यहां पर क्या करेंगे हम एक्स हैविंग टू वैल्यूज सो बी इज करेक्ट तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मतलब यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करनी ठीक है क्लियर हो गई बात कोई भी दिक्कत लगे मुझसे पूछे अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर टेन क्या है क्वेश्चन नंबर टेन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिस ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री विद इच एंट्री जीरो और वन इज हाउ मच मेट्रिस पॉसिबल है हमारी जीरो मतलब और वन हमारी एंट्री होनी चाहिए मतलब एलिमेंट्स ओनली जीरो और वन यूज करने हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कहा है वो थ्री बाय थ्री होना चाहिए तो कितनी मेट्रिस हमारी बन सकती हैं तो सबसे पहले देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या यहां पे ध्यान से देखो थ्री बाय थ्री का ऑर्डर दे रखा है तो यहां पे क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिस वो है हमारा थ्री बाय थ्री टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों टोटल एलिमेंट हमारे हो जाएंगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना आ गया? 9 हमारे प्रेजेंट होंगे मैट्रिस के अंदर और हमारे पास एंट्री कौन सी होनी चाहिए जीरो वन मतलब जो भी मैट्रिस बनेगी उसमें जीरो वन ही यूज करने आपने इस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कितनी मैट्रिस बन सकती हैं ऐसी एक बार मान लो एक ही वन यूज करूं मैं आठ जीरो यूज कर लू दूसरी बार दो वन यूज करूं सात जीरोज जी यूज कर लू और उनकी पोजिशन भी चेंज करता रहूं तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी तो यहां पर देखो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इन सारे नंबर्स को उल्टा पुल्टा करके क्या होगी टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ये फॉर्मूला होता है हमारा टू की पावर एन एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट नाइन है तो टू की पावर नाइन कितना होता है हमारा फाइव वन टू फाइव वन टू नंबर ऑफ मेट्रिस यहां पर पॉसिबल है बननी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मार्क्स में जरूर आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा तो ध्यान से करना तीनों ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ये एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं तो बड़े ध्यान से करने हैं क्वेश्चन किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगे नेक्स्ट क्लासेज आपका सपोर्ट करेगा आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो